प्राचीन भारत किसान कोहिनूर हीरे की खोज वर्तमान भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में हुई थी, जहां से दरियाई नूर और नूरुन एन जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरे भी निकले थे। पर यह हीरा खदान से कब बाहर आया, इसकी कोई पुख्ता जानकारी इतिहास में नहीं है। कोहिनूर का अर्थ होता है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस हीरे की चमक से कई सल्तनत के राजाओं का सूर्य अस्त हो गया। ऐसी मान्यता है कि यह हीरा अभिशप्त है, और यह मान्यता अब से नहीं 13वीं शताब्दी से है। इस हीरे का प्रथम प्रमाणिक वर्णन बाबरनामा में मिलता है, जिसके अनुसार 1294 के आसपास यह हीरा ग्वालियर के किसी राजा के पास था। हालांकि तब इसका नाम कोहिनूर नहीं था, पर इस हीरे को पहचान 1306 में मिली, जब इसको इसके पहनने वाले शख्स ने लिखा कि जो भी इंसान इस हीरे को पहनेगा वह इस संसार पर राज करेगा, पर इसी के साथ उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। हालांकि तब उसकी बात को उसका वहम मानकर खारिज कर दिया गया, पर यदि हम तब से लेकर अब तक के इतिहास को देखें तो कह सकते हैं कि यह बात काफी हद तक सही है। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखा, लेकिन जिसने भी रखा वह कभी खुशहाल नहीं रह पाया। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में यह हीरा काकतीय वंश के पास आया, और इसी के साथ 1083 ईस्वी से शासन कर रहे काकतीय वंश के बुरे दिन शुरू हो गए, और 1323 में तुगलक शाह प्रथम से लड़ाई में हार के साथ काकतीय वंश समाप्त हो गया। काकतीय साम्राज्य के पतन के पश्चात यह हीरा 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा, और 16वीं शताब्दी के मध्य तक यह विभिन्न मुगल सल्तनत के पास रहा, और सभी का अंत इतना बुरा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, लेकिन उनका आलिशान और बहुचर्चित शासन उनके बेटे औरंगजेब के हाथ में चला गया। उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया, और उनके बेटे ने उन्हें उनके अपने ही महल में नजरबंद करवा दिया। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया, और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया। इस तरह मुगल सल्तनत का पतन हो गया, और नादिर शाह अपने साथ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरे को पर्शिया ले गया। उसने इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा। 1747 ईस्वी में नादिर शाह की हत्या हो गई, और कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान शहंशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंच गया, और उनकी मौत के बाद उनके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के पास पहुंचा। पर कुछ समय बाद मोहम्मद शाह ने शाह शुजा को अपदस्त कर 1813 ईस्वी में अफगानिस्तान के अपदस्त शहंशाह शाह शुजा वह कोहिनूर हीरे के साथ भागकर लाहौर पहुंचा। उसने कोहिनूर हीरे को पंजाब के राजा रंजीत सिंह को दिया, और इसके एवज में राजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा को अफगानिस्तान का राज सिंहासन वापस दिलवाया। इस प्रकार कोहिनूर हीरा वापस भारत आ गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कोहिनूर हीरा अपने आने के कुछ सालों बाद महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और अंग्रेज सिख साम्राज्य को अपने अधीन कर लेते हैं। इसी के साथ यह हीरा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हो जाता है। कोहिनूर हीरे को ब्रिटेन ले जाकर महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया जाता है, तथा उसके स्थापित होने की बात बताई जाती है। महारानी की बात समझ में आती है, और वो हीरे को ताज में जड़वा के 1852 में स्वयं पहनती है, तथा यह वसीयत करती है कि इस ताज को सदैव महिला ही पहनेगी। यदि कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो यह ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि महिला के द्वारा धारण करने के बावजूद भी इसका असर खत्म नहीं हुआ,
और ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत के लिए भी यही जिम्मेदार है। ब्रिटेन 1850 तक आधे विश्व पर राज कर रहा था, पर इसके बाद उसके अधीनस्थ देश एक एक करके स्वतंत्र हो गए। कहा जाता है कि खदान से निकला हीरा 793 कैरेट का था, अलबत्ता 1852 से पहले तक यह 186 कैरेट का था, पर जब यह ब्रिटेन पहुंचा तो मैरी को यह पसंद नहीं आया, इसलिए इसकी दोबारा कटिंग करवाई गई।